नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगिताज इंडियन किचन में। याद है अपने बचपन का वो दूरदर्शन वाला गाना, संडे हो या मंडे रोज खाओ वनडे। लेकिन वही रोज रोज अंडा ऑमलेट खाकर बोर तो हो गए होगे ना। कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम स्पेशल एक मसाला फ्राई, जो कि आप ब्रेड, रोटी या फिर राइस के साथ भी खा सकते हो। तो चलो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इनको मैंने ऐसे टुकड़ों में स्लाइस करके लिया है। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारे प्याज जल्दी से पक जाए। प्याज के ये बड़े टुकड़े हमारे मसाले और अंडों को बांध के रखेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप फ्लेम को तेज रखोगे तो हमारे प्याज बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और खाते समय हमें कड़वाहट महसूस होगी। बस इसे ऐसे ही चलाते हुए करीबन 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर को ऐसे बारीक काट लिया है। यहाँ पर हम जो टमाटर डाल रहे हैं उससे इस डिश में अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन होगा और ये डिश खाते समय ज़्यादा ड्राई नहीं लगेगी। लेकिन हमें ज़्यादा टमाटर नहीं डालना, नहीं तो ये डिश खट्टी लगेगी। अब 5 मिनट पकाने के बाद हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इनको अच्छे से स्मैश कर लेती हूँ, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मालवणी गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। दोस्तों, इस डिश में जो मेन स्वाद है वो इसी धनिया पाउडर की बदौलत ही है, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल जाएगा। अब हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और तेल छोड़ना शुरू हो चुका है। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें इसके अंदर अंडे डालने हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 1-4 जगह बना लेती हूँ। और अब एक एक करते इसके अंदर अंडे डाल देंगे। अब इसे ढककर पका लेते हैं। अब 2 मिनट पकाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडे हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। ऊपर से डाल देते हैं सजावट के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और डाल देते हैं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब वापस से इसको ढक देते हैं और पका लेते हैं अगले 5 मिनट के लिए। चलो देख लेते हैं। आहा, अपना एक मसाला फ्राई रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि नीचे से ये कितने अच्छे से भून चुका है। दोस्तों, आप जब इसको चावल के साथ खाओगे ना तो आपको बिरयानी की याद ज़रूर दिलाएगा। आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने दोस्तों को और घर वालों को अंडे का एक नया तरीका खिलाइए। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप अपने दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही मिलती रहूँगी आपको अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।